एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. और ये जो मैं हूँ मधुस्मिता. सो फ्रेंड्स, आज की मेरी जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा किचन कंटेनर को मैं किस तरह से साफ रखती हूँ और किस तरह से मैं सारी जो डॉट और ऑयल को इजीली रिमूव कर पाती हूँ. तो इस तरह से बहुत कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ. वैसे तो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है किचन कंटेनर को साफ करने के लिए. मैंने जो आज ये तरीका बताऊंगी ये मैंने सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है मैंने अपनी मम्मी से सीखा है. मैं जब छोटी थी तो मैं घर में देखा है कि मैं मम्मी किस तरह से किचन कंटेनर को इजीली साफ रखते हैं और बहुत ही मेंटेन करिए वो किस तरह से रखते हैं. ये जो सारी चीजें हैं मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए जल्दी से मेरे किचन में चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से किचन कंटेनर को साफ रखती हूँ. सो ये है मेरे सारे कंटेनर जिसको आज मैं साफ करने वाली हूँ. और यहाँ पर ये एक नया डब्बा है जिसको साफ करने के बाद मैं यूज़ करूँगी. और ये जो सारे डब्बे को मैंने ऑलरेडी खाली कर दिया है और आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मैला जमा हुआ है क्योंकि ये ओपन किचन है तो बहुत ही डर्ट और ऑयल यहाँ पर रह जाती है. तो इसको मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि 1 मंथ के एक बार इसको साफ रखने के लिए. तो यहाँ पर जो बाउल्स में छोटा छोटा बाउल्स में मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को निकाल लिया है ताकि जो मेरे डब्बे का जो चीज़ है वो खाली हो जाए. तो यहाँ पर मैं सारी कंटेनर को ओपन कर दूंगी और सिंक में डाल दूंगी और पानी थोड़ा डाल के फिर 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको थोड़ा सा वेट होने के लिए छोड़ दूंगी ताकि जो मैला है बहुत ही आसानी से वो रिमूव हो जाए. तो हमेशा मैं इस तरह से ही धोती हूँ, कुछ अलग तरीका नहीं होता है. बट हाँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं हमेशा फॉलो करती हूँ जो कि मैंने अपने मामा से सीखी है. तो इस तरह से मैं इस सारी कंटेनर को ओपन करके फिर पानी डाल दूँगी. अभी मैं इन कंटेनर के लिए 2 टाइप्स ऑफ मिक्सर बनाऊंगी. एक है भीम लिक्विड का मिक्सर और एक है बेकिंग सोडा का मिक्सर. तो यहाँ पर मैं भीम लिक्विड यूज़ करती हूँ और इस तरह से जो स्पॉन्ज पैड आता है साफ करने के लिए वो पैड मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका एक साइड स्पॉन्ज पैड रहता है और एक क्रश बाइट रहता है. तो स्पॉन्ज की वजह से जो प्लास्टिक है वो घिसता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्रैकी नहीं दिखता है. तो इसलिए मैं ये स्पॉन्ज वाला पैड यूज़ करती हूँ. तो पहले यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेकिंग सोडा मिक्सर. इस मिक्सर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच बेकिंग सोडा लिया है और 1/2 लेमन लिया है. इसको स्क्वीज करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको साइड में रख दूंगी. फिर बनाऊंगी भीम लिक्विड का मिक्स. तो मिक्सर बनाने के बाद मैं इस कंटेनर को इस तरह से साफ रखती हूँ और हमेशा ट्राई करती हूँ कि स्पॉन्ज साइड में साफ करने के लिए, क्योंकि स्पॉन्ज साइड में अगर आप साफ करते हैं तो डब्बे में कुछ भी दाग नहीं आता है. तो इसलिए ट्राई करती हूँ कि स्पॉन्ज से साफ़ करने के लिए. और मैं जो कैप है उसको अलग से साफ़ करती हूँ, उसके लिए ही मैंने ये बेकिंग सोडा का मिक्सर बनाया है. तो अभी मैं सारे कंटेनर को साफ़ कर दूँगी, फिर मैं कैप को साफ़ करूँगी. अभी मैं साफ़ करूँगी ये कैप और यहाँ पर देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मैला जमा हुआ है. तो इस तरह से मैं ये लेमन में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लूँगी और अच्छे से घिस कर इसको अलग से रख दूँगी ताकि जो मैला है वो बेकिंग सोडा से रिएक्शन होकर थोड़ा सा हल्का पड़ जाए. और जब भी मैं इस पैड से थोड़ा सा भीम लिक्विड डालकर उसको साफ़ करूँगी तो मैला जो है बहुत ही अच्छे से निकल जाता है. तो ये जो ट्रिक है मैं हमेशा फॉलो करती हूँ.
सो ये काम ख़त्म होने के बाद मैं अच्छे से प्लेन वाटर में इस कंटेनर को धो लूँगी। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको केप दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा का मिक्सर यूज़ किया था। तो हमेशा आप बेकिंग सोडा और लेमन का मिक्सर यूज़ कीजिए। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप विनेगर और बेकिंग सोडा का मिक्सर बनाकर भी अपने कंटेनर को साफ रख सकते हैं। इस तरह से करने से जो ऑयल है और डर्ट है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये सारे कंटेनर साफ करने के बाद मैं अभी साफ़ करूँगी मेरा नया वाला कंटेनर, और नया वाला कंटेनर को मैं अलग से धोती हूँ, क्योंकि ये जो कंटेनर है तो बहुत ज़्यादा मैला होता है, तो इसके साथ मैं नहीं धोती हूँ। और इसको भी प्लेन ब्लीम लिक्विड से ही मैंने थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। कंटेनर को साफ करने के बाद मैं किचन काउंटर पे ही एक बहुत ही क्लीन सा एक टॉवल डाला है, ताकि मैं कंटेनर को अच्छे से सुखा पाऊँ। और मुझे चाहिए ये एक कॉटन टॉवल, ताकि मैं अच्छे से कंटेनर को सुखा के फिर इस टॉवल के ऊपर डाल सकूँ। तो मैंने इस तरह से सारे कंटेनर को अच्छे से पोंछ लूँगी, फिर इस टॉवल के ऊपर डाल दूँगी। आप इस कंटेनर को पोंछने के बाद थोड़ा सा धूप भी लगा सकते हो और फैन के नीचे भी रख सकते हो, ताकि ये कंटेनर अच्छे से सूख जाए। तो ये है मेरे सारे किचन कंटेनर, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो गई है। तो मैं इसको हाफ एन आवर के लिए इस तरह से छोड़ दूंगी, ताकि जो पानी है वो अच्छी तरीके से सूख जाए, और सूखने के बाद मैं इसको यूज करूंगी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा किचन कंटेनर क्लीनिंग रूटीन। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी मेरे इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय, स्टे हैप्पी।